इम्परफेक्शन इन सॉलिड और डिसऑर्डर. सॉलिड में इम्परफेक्शन आए, डिसऑर्डर क्रिएट हुआ, क्यों क्रिएट हुआ? ठीक है, सबसे पहले तो बात उसने वर्ड असाइन किया कि आइडियल क्रिस्टल. उसने स्पेशली वर्ड असाइन करा था आइडियल क्रिस्टल. आइडियल क्रिस्टल का मतलब कि आपके मेनली वी आर डिस्कस स्टडिंग अबाउट द आयनिक सॉलिड. आयनिक सॉलिड के अंदर एक आयन होता है, कटायन होता है, एक अनायन होता है. तो उसने मेंशन किया गया था कि आपके सॉलिड के अंदर स्पेशली इन दिस वे जो लेके चला, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, बिल्कुल हर चीज एक सिमेट्री में है. दिस वे दैट इज द एक पॉजिटिव बी नेगेटिव एक पॉजिटिव बी नेगेटिव एंड बी नेगेटिव एक पॉजिटिव बी नेगेटिव एंड एक पॉजिटिव. उसने मेंशन किया कि जब आपके प्रॉपर कटान है, प्रॉपर मैनर में अरेंज है, पूरे पड़े हैं जी, कोई मिस नहीं है, कोई डिसलोकेट नहीं हुआ, दैट क्रिस्टल इज कॉल्ड द आइडियल क्रिस्टल. बट कहता है मिलेगा कब? वो कहता है कि ये मिलेगा आपको जीरो केल्विन, एब्सोल्यूट टेंपरेचर जीरो केल्विन, वी कैन से दैट -273 डिग्री सेल्सियस. जितने भी क्रिस्टल अनिश आइडल मिलेंगे, मतलब कटान एंड एनिश प्रॉपर मैनर में अरेंज मिलेंगे, वो कब मिलेंगे? एट द टेंपरेचर ऑफ जीरो केल्विन. भाई जीरो केल्विन का मतलब मैंने बताया इस टाइम भी रूम का टेंपरेचर कर लेके चल रहा हूं, दैट इज द 27 डिग्री सेल्सियस मेंशन कर रहा. नॉर्मली भी 25 मिनिमम, जो जहाँ मतलब 12 महीने बर्फ ही पड़ी रहती है, मैक्स जहाँ बिल्कुल माइनस में भी टेम्परेचर लेके चलो तो माइनस में मैक्सिमम 49 तक देखा वो रेशियो है उससे जो हम देखते हैं अपना, तो -50 ले लेता हूँ. ठीक है, लीस्ट मिनिमम जो टेम्परेचर हो सकता है -50 हो सकता है. यू कैन इमेजिन दैट -273 डिग्री सेल्सियस कभी पार्ट मिलने वाला ही नहीं है. टेम्परेचर हमेशा इससे ज़्यादा ही मिलेगा. जैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा में होगा, वी नो दैट बोहर मॉडल ऑफ एन एटम, बोहर ने जो पोस्टुलेट दिए थे, जैसे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है, इट विल बी जंप फ्रॉम लो लेवल टू हाई लेवल, ग्राउंड टू एक्साइटेड स्टेट. पढ़ चुके हैं सारी बातें हम अपना. जैसे एनर्जी मिलती है वो जंप कर जाता है, मूव कर जाता है. सेम सिनेरियो है, वो कहते हैं टेम्परेचर अगर जीरो केल्विन रहता है तो क्रिस्टल आइडल है. इतना टेम्परेचर नहीं कभी मिलने वाला नहीं है. टेम्परेचर हमेशा इससे ज़्यादा मिलेगा तो पार्टिकल को एनर्जी एनर्जी वो गेन करेंगे, एनर्जी गेन करेंगे तो मूवमेंट हो जाएंगे, या तो वो अपनी जगह से स्किप हो जाएंगे, मिस हो जाएंगे, या फिर किसी और जगह जाकर बैठ जाएंगे. एंड देन क्रिएट हुए इम्परफेक्शन, देन क्रिएट हुए डिसऑर्डर. ठीक है, तो ये था इम्परफेक्शन इन सॉलिड, कि सॉलिड में इम्परफेक्शन आया क्यों. अगर टेम्परेचर जीरो केल्विन रहता ऑल द क्रिस्टल आइडल. सिंपल सा लॉजिक था, निश आइडल स्टूडेंट नहीं, आइडल क्रिस्टल. ठीक है ना, देन वी कैन, हाँ आइडल स्टूडेंट मुझे तभी मिल पाएंगे स्पेशली हाँ भी वो कंडीशंस अप्लाई करते हैं जी, परफेक्ट मेहनत करते हैं दिस वे, तब देन वी कैन, वी इन सम कंडीशंस वी कैन सेलेक्ट. बट अदरवाइज उसने कहा कि नॉर्मली भी कंडीशन ये है कि जीरो केल्विन टेम्परेचर है तो आइडल है. इतना टेम्परेचर कभी मिलने नहीं वाला, माइनस का 273 वैल्यू कभी नहीं मिलेगा, तो टेम्परेचर हमेशा इससे ज़्यादा मिलेगा. टेम्परेचर ज़्यादा होने का मतलब पार्टिकल एनर्जी गेन की तो मूवमेंट हुई तो इम्परफेक्शन क्रिएट हो गया, डिसऑर्डर क्रिएट हो गया. चलो जी, इतना बताने के बाद उसको आपको यहाँ पर टेम्परेचर रखना है. एब्सोल्यूट टेम्परेचर जिसको बोलते हैं, था वो स्टेट्स ऑफ मैटर का था ना, केल्विन स्केल, लॉर्ड केल्विन जो साइन किया था वहाँ पर आया था एब्सोल्यूट स्केल. तो टेम्परेचर यू शुड नो दैट किस टेम्परेचर पर क्रिस्टल आइडल मिलने वाले हैं पार्ट मुझे जीरो केल्विन पर, वी कैन से दैट -273 डिग्री सेल्सियस, राइट. हाँ जी, और ये टेम्परेचर से हमेशा टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा. अब उसने कहा जो इम्परफेक्शन क्रिएट हुए, डिसऑर्डर जो क्रिएट हुए, उसको उसने टू टाइप में डिवाइड किया. इम्परफेक्शन जो सॉलिड में पढ़ते हैं, टू टाइप ऑफ इम्परफेक्शन आर देयर, इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन एंड एटॉमिक इम्परफेक्शन. तो पहले जब टीचर था पहले तो इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेक्शन की भी सारी कहानी थी वो निकाल दी है, पर समझा जरूर रहा हूँ काम की बात है. हाँ जी, सिंपल से बात वर्ड से क्लियर कर देता हूँ. इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेक्शन अभिनव जो इंटरफेक्शन इलेक्ट्रॉन के कारण क्रिएट हुआ, एटॉमिक इंटरफेक्शन जो इंटरफेक्शन एटम के कारण क्रिएट हुआ. अनदर नेम ऑफ एटॉमिक इंटरफेक्शन द पॉइंट डिफेक्ट भी बोल देते हैं, इसके क्लासिफिकेशन करता हूँ. पर इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन को थोड़ा सा आइडिया जरूर दूंगा, दैट इज नॉट इन आर सिलेबस बट पता होना चाहिए. मैंने कहा कि जो भी इम्परफेक्शन इलेक्ट्रॉन के कारण क्रिएट हुआ, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन.
और कहते हैं कि इसका हमें नुकसान ही है, बेनिफिट था, व्हाट इज द बेनिफिट? वो कहते हैं जी इलेक्ट्रॉन के, अब सिंपल सी बात, अभी जो बात कर रहा था टेम्परेचर जीरो केल्विन है तो फिर सुराइडल है, टेम्परेचर इतना मिलना है मिलेगा नहीं, टेम्परेचर हमेशा ज्यादा मिलेगा, ज्यादा मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेंगे, गेन करेंगे तो उनमें मूवमेंट हो गई। कहते हैं उसका बेनिफिट क्या, जितनी भी आपके आपके मेरे सबके घर में जो वायरिंग जो कंडक्शन हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए वायर यूज करते हैं जी, वायर मेड अप ऑफ मेटल, ठीक है जी, मेटल, मेटल के अंदर फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, जैसे ही चार्ज मिला उनको मूवमेंट हुई। वो कहते हैं कि अगर ये इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन ना होता तो ये मेटल जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं कभी करते ही ना, तो मतलब वो इम्परफेक्शन का लक्ष्य हमें नुकसान नहीं हुआ, बेनिफिट हो रहा है, वी आर यूजिंग दैट एट प्रेजेंट कंडक्शन में उसको यूज कर रहे हैं। तो जो भी इम्परफेक्शन इलेक्ट्रॉन का क्रिएट हुआ दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन, दैट इज यूजफुल फॉर अस एंड एट प्रेजेंट वी आर यूजिंग इट। क्लियर दैट? तो ये था जी आपका इम्परफेक्शन इलेक्ट्रॉन के कारण जो क्रिएट हुआ, जो सिलेबस से निकाल दिया गया है, बट नॉलेज यू शुड नो दैट। ठीक, हाँ जी, मैं आता हूँ जो सिलेबस का पार्ट, दैट इज द एटॉमिक इम्परफेक्शन, अनदर नेम बताया मैंने इसका, दैट इज द पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, एटॉमिक इम्परफेक्शन को अनिश ने थ्री टाइप में डिवाइड किया था, एटॉमिक इम्परफेक्शन को उसने अपना थ्री टाइप में डिवाइड किया, डिफेक्ट इन द स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टोइकोमेट्रिक क्रिस्टल डिफेक्ट, नॉन स्टोइकोमेट्रिक एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, तीन टाइप, थ्री टाइप उसने बताए जी हमारे पास, स्टोइकोमेट्रिक, नॉन स्टोइकोमेट्रिक एंड इम्प्योरिटी है, किसके अंदर? एटॉमिक इम्परफेक्शन के अंदर। ठीक, हाँ जी, सबसे पहला दैट इज स्टोइकोमेट्रिक, स्टोइकोमेट्रिक में उसे मेंशन किया व्हाट इज द स्टोइकोमेट्रिक क्रिस्टल्स, क्या होते हैं, इन विच द रेशियो ऑफ कटायन एनायन रिमेन सेम। सिंपल लैंग्वेज में कहूं हिमप्रीत, मतलब अगर सॉलिड के अंदर, मैं जैसे लिख देता हूँ, आइडल के अंदर 20 कटायन 20 एनायन थे, वो तो प्रॉपर आइडल है जिसमें कोई डिफेक्ट ही नहीं है, तो आइडल मिलने नहीं है, हमेशा नॉन आइडल मिलने हैं। तो डिफेक्ट की बात की, अगर मैंने माना कि रक्षक की उसमें 19 कटायन है तो 19 ही एनायन होंगे, आइडल के अंदर 20 थे, डिफेक्ट की बात करें तो कुछ ना कुछ तो कमी रहेगी, तो मैंने कहा 19 कटायन तो 19 ही एनायन, 18 कटायन तो 18 ही एनायन, इन विच दो सॉलिड, कहते हैं कि जिसमें कटायन एनायन का रेशियो क्या रहने वाला है, जो सेम रहने वाला है, दैट टाइप ऑफ सॉलिड आर कॉल्ड द स्टोइकोमेट्रिक सॉलिड्स। दोबारा बताऊंगे, ठीक है, ठीक है, स्टोइकोमेट्रिक सॉलिड्स क्या रहते हैं, इन विच द रेशियो ऑफ कटायन एनायन रिमेन सेम, दैट इज कॉल्ड द स्टोइकोमेट्रिक सॉलिड। कहते हैं कि ये हम पढ़ रहे डिफेक्ट है तो कुछ ना कुछ तो कमी रहेगी, स्टोइकोमेट्रिक के अंदर मे बी उसने टू टाइप बताया, नंबर एक स्कॉट के डिफेक्ट बताता है, एक फ्रेंकल डिफेक्ट बताता है। एक है स्कॉट के डिफेक्ट, एक फ्रेंकल डिफेक्ट, स्कॉटकी एंड फ्रेंकल। व्हाट इज स्कॉटकी डिफेक्ट? साइंटिस्ट के नेम पे रखा गया था नाम, स्कॉटकी डिफेक्ट क्या है, फ्रेंकल डिफेक्ट। एक बात तो क्लियर है, गुली वी आर स्टडिंग दैट द स्टोइकोमेट्रिक जिसमें कटायन एनायन का रेशियो सेम मिलने वाला, ठीक है, जिसमें कटायन एनायन का रेशियो क्या मिलने वाला, सेम मिलने वाला, दैट इज कॉल्ड, उसको नाम दिया हमने अपना अपना स्टोइकोमेट्रिक। तो पहला पढ़ते हैं जिस स्कॉटकी डिफेक्ट, स्कॉटकी डिफेक्ट में उसने कहा इसमें क्या होता है, आपका जो भी सॉलिड था, जिसकी एग्जांपल लेता हूं अगेन, ये सॉलिड है ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, इन दिस वे कटायन एनायन सॉलिड आई एम टेकिंग द राइट नाउ, ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव दिस वे, आई वुडंट, इज इट विजिबल, ठीक है, इसमें उसने मेंशन किया इन द केस ऑफ स्कॉटकी डिफेक्ट, स्कॉटकी डिफेक्ट में उसने अनिश कहा कि आपका एक कटायन मिस हुआ, कहते हैं अगर कटायन मिस हुआ तो एनायन को भी मिस होना पड़ेगा, बिकॉज वी आर स्टडिंग द स्टोइकोमेट्रिक, स्टोइकोमेट्रिक में क्या होता है, कटायन एनायन का रेशियो क्या रहता है जी, सेम रहता है, तो इन द केस ऑफ स्कॉटकी डिफेक्ट एक कटायन मिस होता है, साथ ही साथ एक एनायन भी चला जाता है, टू मेंटेन द सेम द रेशियो ऑफ द कटायन एनायन, ठीक है ना, हमें कटायन एनायन का रेशियो सेम रखना है, दैट्स व्हाई एक कटायन के साथ एनायन भी चला जाता है, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड द स्कॉटकी डिफेक्ट, ठीक है, जो लेके चला अपना, हाँ जी। अब वो कहता है इसका इसके पीछे ऐसा क्यों हुआ, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, ठीक है, भी कटायन गया तो साथ में एनायन भी जा रहा, ऐसा क्यों? कहते हैं उसने उसके दो कंडीशंस बताई, पहला बताया कि सिमिलर साइज ऑफ कटायन एनायन, कटायन एनायन
एंड सेकेंड नंबर ड्यू टू द हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर. अभिनव भैया कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन नंबर ऑफ स्फीयर टचिंग टू ए गिवन स्फीयर. सिंपल लैंग्वेज में जब सॉलिड एटम हमारे पैक्ड होते हैं, ठीक है ना, पैकिंग होती है, ठीक है, ये एटम हमारे पास चल रहे हैं, ठीक है ना, एटम पैक्ड हुए तो जितने भी हमारे एक स्फीयर को जितने स्फीयर टच करते हैं जी, ठीक है ना, तो जैसे इसकी बात करो तो इन स्फीयर को कितने स्फीयर टच करें, सिक्स, छह अटैच कर रहे हैं ना, तो दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर. इसका कितना हुआ, सिक्स हुआ जी. नंबर ऑफ स्फीयर टचिंग टू ए गिवन स्फीयर, ठीक है, नंबर ऑफ स्फीयर टचिंग, जितने भी स्फीयर को टच करते हैं जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है. तो उसने कंडीशन बताया कि ये डिफेक्ट हमें कब मिलेगा, कहते हैं सिमिलर साइज ऑफ कटाना बनाए, ठीक है, और दूसरा हाई कोऑर्डिनेशन नंबर. एग्जाम्पल लेता हूँ मैं अपने भैया, सिंपल मेरी क्लास में मेरे क्या कह सकते हो, अपने 90 स्टूडेंट्स हैं, 90 स्टूडेंट्स में विकेंस था कि 88 स्टूडेंट की जो हाइट है जी वो 5 feet 8 inches है. दो बंदे हैं, एक की हाइट 4 feet है, एक की हाइट 6 feet है, उन दोनों में से कोई एक नहीं आया, तो इजिली बुलेट यार वो बंदा नहीं आया. और जिनकी हाइट सेम है 5 feet 8 inches, उनमें से अगर 5-6 बच्चे नहीं आते, मेले प्रिडिक्ट करना कौन से में आया, दैट इज इम्पॉसिबल, ठीक है ना. तो उसने बताया जी सिंपल कटायन अनायन, एक कटायन गया तो एक अनायन भी गया. भी कार्तिक कहते मैंने पिक्चर देने ना अभी ना तुझे तुझे साथ लेके जाना, के लेने जाऊंगा मैं, ठीक है ना यार, समझा बात. तो भी अगर वो गया तो साथ मैं भी जाऊंगा, मीन्स कटायन मूव किया तो साथ अनायन भी मूव करेगा. दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट बिकॉज वी हैड स्टडीड दैट स्टोइकोमेट्री, ठीक है. तो उसने मेंशन किया, कहते हैं कि क्या, एक तो और कंडीशन उसने बताई, कहते हैं कि क्या होगा इसमें, कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत ज्यादा होता है, मतलब एक एटम को, यस सर, एक एटम को वैगो बहुत सारे स्फीयर टच कर रहे हैं, ठीक है ना, तो अगर एक आधा मिस भी हो गया तो उसको इफेक्ट नहीं पड़ेगा. दैट्स वे कहते हैं कि ये कब मिला, एक तो कटायन अनायन का साइज सेम था, सबकी हाइट सेम, सब सेम चल रहा है, और बीच में हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, एक एटम को बहुत सारे स्फीयर टच कर रहे हैं, तो एक आधा अगर स्किप भी हो गया तो पता नहीं चल पाएगा. तो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड द स्कॉटकी डिफेक्ट. किन्ने मिलता है, एग्जाम्पल क्या था क्वेश्चन, एग्जाम्पल उसने मेंशन किया कि जितने भी एल्गिन मेटाथलाइड है, एनएसीएल है, केसीएल है, मीथेन क्लोराइड है, ऑल दिस मेटाथलाइड शोज दैट द स्कोर इन इट, दैट इज द स्टोरी ऑफ द स्कोर. हाँ जी, क्या बताया विनोद भैया मैंने, कटायन मिस होता है स्कोटकी में, साथ ही साथ एनायन भी मिस हो जाता है. व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द कॉज ऑफ द स्कोटकी डिफेक्ट, सिमिलर साइज ऑफ कटायन एनायन, दोनों का साइज सिमिलर है, दैट्स व्हाई एक मिस होता तो साथ दूसरा मिस हो जाएगा. सेकंड रीजन वाज कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत ज्यादा था, इसीलिए वो उसकी मूव कर गए, ठीक. तो इसके पीछे रीजन उसने बताया, एग्जांपल साथ एग्जांपल लिख देने हैं. सेकंड बताता है फ्रेंकल, फ्रेंकल डिफेक्ट में उसने मेंशन किया कि फ्रेंकल डिफेक्ट क्या होता है कि आपके अरेंजमेंट चल रहा है कटायन एनायन का, to cation especially because we know that the size of cation is always smaller than the parent atom. Anion cancel that, like is the parent atom se chota rehta hai aur anion ke comparison mein cation hamesha chota hota hai. To cation ka size chota hai to cation kya hota hai especially wo move kar jata hai kahan par, inter, apni jagah ko chhod kar kahan chala gaya wo, interstitial side void horn, khali pan jisko space bolte hain. Usne mention kiya ki in the case of Frenkel defect cation jo hai especially वो मूव कर जाता है, रहता है सॉलिड में, इसमें तो वो बाहर ही चले गए थे. इसमें उसने मेंशन किया कटायन अपनी जगह से मूव करके कहाँ चला जाता है, इंटरस्टीशियल साइड पर. अब मैंने भैया को वहां से उठाकर मैंने यहाँ बैठा दिया, दैट टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड द फ्रेंकल डिफेक्ट, उठा के बाहर मारा, दैट इज स्कॉटकी डिफेक्ट, ठीक सिंपल. तो इन इसको लेके चला जी, राहत जब क्रिस्टल के अंदर ही है, दैट इज कॉल्ड द स्कॉट, दैट इज कॉल्ड द फ्रेंकल, ठीक है ना. हाँ जी, पूरा मिस हो गया, दैट इज कॉल्ड द स्कॉट डिफेक्ट. हाँ जी, इसकी कंडीशन, जो इसकी कंडीशन, इसका कोज बताता है अभी ना, व्हाट इज द कोज बिहाइंड दिस, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस डिफेक्ट, हमें क्या हुआ, प्रोटीन से रिवर्स कर देते हैं. रिवर्स मींस वी कैन से दैट इसमें का सिमिलर साइज, इसमें का डिफरेंस होता है जी, लार्ज डिफरेंस होता है, कटायन बहुत छोटा, अनायन बहुत बड़ा. जब कटायन छोटा है तभी इजीली वो मूव करके इंटरस्टीशियल साइड पर जाकर बैठ जाएगा, ठीक है ना. लार्ज डिफरेंस, रीजन बिल्कुल अपोजिट चलेंगे कोज इससे, कि लार्ज डिफरेंस इन द कटायन एंड अनायन. फर्स्ट सेकंड वाज दैट इसमें कोऑर्डिनेशन पर क्या था, हाई, इसमें कोऑर्डिनेशन पर क्या है जी, लो कोऑर्डिनेशन पर. एग्जांपल लेकर चलते हैं जी, हमारे पास दैट इज एजीबीआर, एजीसीएल, एजीआई, एसएनसीएल आल्सो, जेडएनएस, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द फ्रेंकल डिफेक्ट. तो मेजर की होता क्या है जी, उसके पीछे कॉज क्या था,
उसके एग्जाम्पल. दैट इज द स्टोरी फॉर द स्कोट की एंड फ्रेम. ठीक है, अब एक वन मार्क क्वेश्चन, नंबर ऑफ टाइम रिपीटेड, कि विच सॉलिड शोज स्कोटकी एज वेल एज फ्रेंकल. ऐसा कौन सा सॉलिड है जो स्कोटकी डिफेक्ट भी शो करता है और फ्रेंकल भी शो करता है. द आंसर, हाँ आंसर वाज दैट AGBR, मतलब वो दोनों कंडीशंस फुलफिल कर देता है जी हमारे पास. तो AGBR एक ऐसा सॉलिड था जिसने स्कोटकी डिफेक्ट भी शो किया, फ्रेंकल डिफेक्ट भी शो किया. अच्छा ठीक है, तो दैट इज द डिफरेंस. अब मुझे एक छोटा सा आंसर दे, इन दोनों में से किसकी, किस सॉलिड की डेंसिटी सेम रहेगी और किस सॉलिड की डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी. स्कोटकी डिफेक्ट के अंदर स्कोटकी डिफेक्ट की बात करते हैं, स्कोटकी डिफेक्ट में क्या होगा, डेंसिटी सेम रहेगी या कम हो जाएगी? सेम. बच्चा क्या होगा, सोच जरा. कम रहेगी. सेम रहेगी. सेम रहेगी सर, शायद सेम रहेगी सर. कम रहेगी. कम क्यों रहेगी? कम होगी, मिस हो गया. उसमें से दो एटम चलेंगे, दो इस अगर टोटल डेंसिटी टू मास बाय वॉल्यूम. अभी ना भी चला के काटते के चला, दो बंदे चलेंगे भाई. नेचुरली पता है मास एट रिड्यूस, मास रिड्यूस तो डेंसिटी भी रिड्यूस हो जाएगी. बट इन द केस ऑफ फ्रेंकल, वहां से उठा के इसको यहां ले आया, वेट उतना उतना, मास उतना का उतना. तो वी कैन से दैट इन द केस ऑफ फ्रेंकल डिफेक्ट डेंसिटी रिमेंस सेम, बट इन द केस ऑफ स्कोटकी डिफेक्ट डेंसिटी दैट विल बी डिक्रीज. तो ये वाला पार्ट क्लियर, तो इसको रेस कर देता हूँ. उसको स्टोइकोमेट्रिक बोला जिसमें सेम नहीं है. अगेन अभी वो क्या करते हैं जी, इसको फिर डिवाइड करते हैं. ठीक है, टू टाइप्स में कहते हैं कि नॉन स्टोइकोमेट्रिक जो डिफेक्ट हम देखते हैं अपना, अगेन टू टाइप लेके चलता हूं. एक था मेटल एक्सेस डिफेक्ट, एक बोला मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट. मेटल एक्सेस डिफेक्ट, पहले तो इतना क्लियर करो अनिश भैया कि मेटल के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव या फिर पॉजिटिव. We know that 10th class metals are always electron positive in nature. The electron metal electron lose करके positive retain करते हैं जी. Sodium तो हमेशा Na positive, Mg2 positive, Al3 positive, है ना, Ca2 positive. Metal always carry positive charge. So उसने word assign किया यहाँ पर, that was really metal excess defect. Metal पे charge positive होता है. अब positive number को मुझे increase करना है. मेटल एक्सेस डिफेक्ट में क्या करना है, मुझे इंक्रीज करना है पॉजिटिव नंबर को मेटल एक्सेस डिफेक्ट में. अब पॉजिटिव को मैं सिंपल से मैथ लेके चलता हूँ. पॉजिटिव नंबर को मेरे पास सॉलिड है, सॉलिड के अंदर वी आर स्टडिंग एट द डिफेक्ट. मैंने कहा 19 कटायन और 19 कटायन 19 नमायन. ठीक है ना, डिफेक्ट की बात करूँ कुछ ना कुछ कमी रहेगी. अगर आइडल की बात करें जो मुझे करें 20 कटायन 20 नमायन लेता हूँ. अब डिफेक्ट ये तो अगर सेम चला फिर तो आप किस सॉलिड की बात कर रहे हो, स्टोइकोमेट्रिक की, तो कम होगा स्पेशली उसने मेंशन किया. तो उसने 19 का टाइम कुछ भी करते हैं स्पेशली, मैं अभी 20 और 20 लेके चल रहा हूँ. तो हमने यहाँ पर कहा कि मुझे मेटल एक्सेस मतलब पॉजिटिव को बढ़ाना है. पॉजिटिव को इंक्रीज करने के मेरे पास दो तरीके हैं जनीश भैया, या तो क्या करूँ एक नेगेटिव को यहाँ से उड़ा दूँ, है ना, अनायन को स्किप करवा दूँ. नेम असाइन किया, दैट इज द मेटल एक्सेस डिफेक्ट. वी कैन प्रोसीड विद द हेल्प ऑफ टू वे. फर्स्ट वन दैट इज द अनायन वैकेंसी. मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से अनायन को एक उड़ा दिया तो ये 19 हो गए, पॉजिटिव बढ़ गया. और वही मेरा मोटिव था, मेटल एक्सेस डिफेक्ट पॉजिटिव को बढ़ाना है. तो एक तो वे उसने बताया कि आप अनायन वैकेंसी कर दीजिए, देन यू कैन क्रिएट द मेटल एक्सेस डिफेक्ट. ठीक है, दूसरा कहते जी बाहर से एक पॉजिटिव आयन लेकर आइए, या आपको बाहर से पॉजिटिव लेके आया वो इसमें डाल दिया, एक उठा दिया तो अभी कितना हो गया मेरे को 21. हाँ, असाइन किया, नेम असाइन किया एक्सेस कटायन ऑक्यूपाई द इंटरस्टीशियल साइट.
अपनी रेंज में बैठे हुए हैं, अपनी रेंज में सॉरी बैठा हुआ है, अगर मैं यहाँ से एक एक्सेस एक्स्ट्रा कटान लेके इंटरस्टीशियल में डाल दूँ तो नेचुरली बात है पोस्टिक नंबर बढ़ जाएगा। और मोटिव क्या था मेरा गणक कि मुझे पोस्टिक का नंबर बढ़ाना था, दैट इज एक्सेस डिफेक्ट को प्रोसीड करना था। तो सेकेंड में उसने बताया दैट इज द एक्सेस कटान ऑक्यूपाई इंटरस्टीशियल साइड। इंक्रीज बाय टू वे इंटरस्टीशियल साइड। अब वो कहते हैं जी नैन वैकेंसी की कहानी, अगेन इसमें स्टोरी जो मेंशन करता है इसमें क्या कहानी आती है, इज इट विजिबल दिस पोर्शन ओके बड़ा है, अब अपना ऊपर लो कर दूं ऊपर लो करूंगा देखना ठीक है। तो नैन वैकेंसी में उसने मेंशन किया, नैन वैकेंसी में क्या था कि मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं, मेरे पास सॉलिड का एक एग्जांपल है, मैंने अपने यहां से सुना पूरी कहानी ठीक है ना। डेफिनेशन आनी है, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन टर्म दैट वाज द एफ सेंटर। हाँ जी, इसमें क्या था मैंने एग्जांपल लिया अपना NaCl, पॉजिटिव को बढ़ाना है कैसे बढ़ा सकते हो, अनायन को कम कर दो, 20 का टाइम 20 अनायन थे, एक अनायन कम कर दिया तो 19 रह गया, 20 पॉजिटिव बढ़ गया। एक तो ये तरीका है, दूसरा आपने बाहर से कटायन डाल दिया, 20 का टाइम 20 अनायन थे, एक कटायन डाल दिया तो 21 हो गए वो। तो ये विद द हेल्प ऑफ टू वे वी कैन प्रोसीड द मेटल एक्सेस। हाँ जी, तो उसने पहला जो डिस्कस किया इस अनिश दैट द फर्स्ट वन वाज दैट द अनायन वैकेंसी। अनायन वैकेंसी को कैसे एक्सप्लेन करता है कि मैं लेके चल रहा हूँ मेरे इस पूरे रूम के अंदर मैंने NaCl को भर दिया, NaCl सॉल्ट, यू नो दैट टेक एन सॉल्ट, वो सॉल्ट पूरा इस पे अरेंज किया हुआ है, इस पे कैसे दैट जहां द फैन दिया फिर एसी लगा वहां तक मैंने NaCl को पूरा फिल कर दिया, नीचे से बॉटम से फिर इतना क्या कर रहा हूं कि हीट प्रोवाइड कर रहा हूं, सरफेस के ऊपर जितना पोर्शन मेरा बचा हुआ वहां पर मैंने छोड़ दिए एल्कली मेटल वेपर्स आई कॉल इट अगेन। मैंने इस पूरे रूम के अंदर NaCl को फिल किया, नीचे से मैं हीट प्रोवाइड कर रहा हूं जी ठीक है ना, और ऊपर मेरे पास मैं उसके सरफेस पे जहां स्पेस था वहां पर मैंने छोड़ दिए एल्कली मेटल वेपर्स। क्योंकि अगर NaCl की बात करूं तो मैंने सोडियम के जो वेपर्स है वो छोड़ दिए सरफेस के ऊपर। फिर देने पर क्या प्रोसेस हुआ, क्या हुआ, तो उसने कहा कि एक्चुअली क्या रिएक्शन होता है जी, सॉलिड के अंदर आपके NaCl बैठे हुए हैं अभी ना, NaCl से ऐसे सॉलिड बैठे हुए हैं और सरफेस पे कौन घूम रहा है, सरफेस पे कौन मूव कर रहा है, Na एल्कली मेटल वेपर्स। उस कहते हैं कि जो आपके सरफेस एल्कली मेटल वेपर्स घूम रहे थे मूव कर रहे थे उसे कंबाइन करने के लिए क्लोराइड आयन चल पड़ता है अपनी जगह छोड़कर, वो उससे कंबाइन करने के लिए चल पड़ता है। हाँ जी, वो अपनी जगह को छोड़ता है और चल पड़ा ऊपर और इस Cl नेगेटिव सोडियम एल्कली मेटल वेपर से ज्वाइन करता है। जब वो ज्वाइन करेगा वी नो दैट सीधा तो ज्वाइन करना, इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ेगा तभी NaCl हमारा फॉर्म होगा, NaCl उसने फॉर्म किया, इस प्रोसेस में एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, वही होगा जिससे नेगेटिव है Na पॉजिटिव से नेगेटिव होता है नहीं, when Na Cl नेगेटिव कंबाइन टू द Na टू फॉर्म द NaCl इन दिस प्रोसेस वन इलेक्ट्रॉन दैट रिलीज, जहां से क्लोरीन गया था वो इलेक्ट्रॉन वहां पर आकर ट्रैप होता है ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है, क्लोरीन पे चार्ज -1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -1 ठीक है जी, चार्ज तो उसने यूटिलाइज कर दिया पर फर्क है ना, इतना तो फर्क रहेगा सीधी सी बात, कहां Cl नेगेटिव 17 18 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, कहां जस्ट एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, चार्ज तो बैलेंस कर दिया पर उसकी वो जो डेफिशिएंसी है वो उसकी कवर नहीं कर पाएगा। अभिनव आया, अपना बैग रखा और चलता हुआ, बैग शूज है कि भी अभिनव भैया यहाँ पर आए थे, उसकी
मतलब शो जस्ट प्रेजेंस शो कर देगा बट इसकी जो इन दिस वे इसकी जो प्रेजेंस है वो तो नहीं शो कर पाएगा ना बैकग्राउंड वाला. सेम स्नैटिफेयर उसने मेंशन किया कि आपका क्लोराइड आयन कंबाइन करता है उससे इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है. इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए जहां से क्लोराइड आयन जहां पर ये व्हाट इज द Cl एंटी दैट वाज द एनायन वैकेंसी हुई. हां जी उसको न्यूट्रलाइज किसने किया उसके इलेक्ट्रॉन ने वो आपके सॉल्यूट न्यूट्रलाइज कर रहे हैं. इसका इंपैक्ट क्या पड़ा इसका इंपैक्ट ये पड़ा आपके सॉल्यूट ने कलर देना शुरू कर दिया. हाँ जी यहाँ से डेफिनेशन निकली हमारी दैट वॉज द एफ सेंटर. एफ वर्ड जो आया हमारे पास आयुष वो ग्रीक लैंग्वेज से एफ का मतलब रहता है जी फोबे एफ ए आर बी ई फोबे का मतलब होता है जी कलर. ठीक है ना क्वेश्चन आता है कि व्हेन द एल्कली मेटल हैलाइड हीटेड व्हेन द एल्कली मेटल हैलाइड हीटेड इट गिव्स कलर. आपने तीन वर्ड में दो वर्ड का आंसर वैसे तो ड्यू टू वो लेके जा रहा हूँ मेन आंसर वो दैट ड्यू टू द एफ सेंटर. जब भी हम लक्ष्य एफ सेंटर वर्ड यूज करेंगे साथ ही एफ सेंटर की डेफिनेशन देंगे पांच वर्ड है जी इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड इन एनायन वैकेंसी. एंड कॉल अगेन व्हाट इज एफ सेंटर अभिनव भैया इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड इन एनायन वैकेंसी दैट इज कॉल्ड द एफ सेंटर. सोडियम क्लोराइड को हीट देते हैं अनिश गिव दैट इज येलो कलर. लिथियम क्लोराइड को हीट दिया पिंक कलर. पोटेशियम क्लोराइड को हीट दी वायलेट कलर. तो जब भी एल्कली मेटल हैलाइड को हीट दे रहे थे जी वो कलर देते हैं. क्वेश्चन बना दिया कि व्हेन द एल्कली मेटल हीटेड ऑलवेज गिव्स कलर व्हाई रीजन दिया जी ड्यू टू द एफ सेंटर. इतना इतने आंसर में भी काम चल जाएगा बट अगर आप उसको एफ सेंटर को फर्दर एलैबोरेट करो तो दैट विल बी द इंप्रेसिव. ठीक है तो एफ सेंटर की डेफिनेशन बताई मैंने पांच वर्ड बताए मैंने क्या बताया इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड इन एनायन वैकेंसी दैट इज कॉल्ड द एफ सेंटर. अभिनव भैया जब उसको लक्ष्य में हीट देता हूँ भैया तो वो येलो कलर देता है. सेम सिनेरियो सेम स्टोरीज बताता है. This is visible, this portion. हाँ जी अभिनव भैया लक्ष्य है ये पोर्शन विजिबल है नहीं हाँ जी एक्सेस का टाइम ऑक्यूपाई इंटरस्टीशियल साइड आई एम टेकिंग द एग्जांपल राइट नाउ जिंक ऑक्साइड. जिंक ऑक्साइड को हीट देता हूँ इट विल स्प्लिट अप इनटू Zn2 पॉजिटिव प्लस O2 नेगेटिव. O2 नेगेटिव रिलीजेस द इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजन एटम. वन ऑक्सीजन एटम डजंट एग्जिस्ट कंबाइन टू द अनदर ऑक्सीजन एटम एंड टू फॉर्म O2 गैस. तो क्या देखा इसमें क्या कहानी देखी कि जिंक ऑक्साइड को जब हम हीट कर रहे हैं जी अपना तो उस सरफेस से जिंक ऑक्साइड की प्लेट से कहते हैं जी आपका ऑक्सीजन गैस तो निकल रही है बट सॉलिड के अंदर जो Zn2 पॉजिटिव आयन है वो वहीं पर मीन्स अगर मैं डायग्रामेटिकली लेके चलता हूँ अपना तो मैं कुछ इन दिस वे कि सॉलिड था जिंक ऑक्साइड का तो उसमें Zn2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव Zn2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव ऑक्सीजन गैस तो निकल गई. ऑक्सीजन गैस तो सरफेस निकल गई. पीछे कौन कौन बैठा हुआ है काम है मेरे पास Zn2 पॉजिटिव बैठे हुए हैं. Zn2 पॉजिटिव ऑक्यूपाई द इंटरस्टीशियल साइड वो यहां आकर बैठ गए जी. क्लियर दोबारा रिपीट कर रहा हूं वी आर डूइंग दैट. हमने मैंने क्या कहा अभी ना एक्सेस कैटायन भाई Zn2 पॉजिटिव इज द कैटायन O2 नेगेटिव इज द ना तो एक्सेस कैटायन ऑक्यूपाई इंटरस्टीशियल इंटरस्टीशियल साइड यू नो दैट जो खाली स्पेस होता है हमारे पास वाइड होल उसको इंटरस्टीशियल स्पेस का नाम देते हैं अपना. तो हाँ जी Zn2 पॉजिटिव ऑक्सीजन गैस निकल गया Zn2 पॉजिटिव इंटरस्टीशियल साइड पर आके बैठ गया. हाँ जी दैट्स द नेम ऑफ साइन एक्सेस कटान ऑक्यूपाई इंटरस्टीशियल साइड. अब वो कहता है जी समझ रहा था ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी पर पीछे क्या छोड़ के गया वो इलेक्ट्रॉन. अनिश भैया वो इलेक्ट्रॉन को स्टे कर रहे हैं. क्यों स्टे कर रहे हैं आपके जो एक्स्ट्रा कटान है उसको न्यूट्रलाइज कर.
ठीक है ना। इफेक्ट क्या पड़ा इसका, आपका जो जिंक ऑक्साइड था हिप्रिथ वो वाइट कलर का था, ड्यू टू दिस डिफेक्ट कहते हैं वो येलो कलर देना शुरू कर देगा। अगेन सेम स्टोरी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया था, सीए नेगेटिव गया था, आपके सॉलिड को न्यूट्रलाइज किया गया था इस भैया, अगेन यहाँ पर जेड टू पॉजिटिव आया, टू इलेक्ट्रॉन्स आए, अगेन सॉलिड को न्यूट्रलाइज। दोनों केसेस में आपका जो सिंपल पॉजिटिव का नंबर वो इंक्रीज हो रहा है, एंड दैट्स वे इसके अंडर है जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ठीक है। प्लस आपके फिजिक्स के अंदर चैप्टर आ गया जी आपका सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस, ठीक है ना, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। थोड़ा सा क्यू दे देता हूँ कि जो भी सॉलिड हमारे इनिशियल मेटल एक्सेस डिफेक्ट शो करते हैं, जो भी सॉलिड, ठीक है ना, मैंने एग्जांपल एनएसएल का ले लिया, उधर से जिंक ऑक्साइड का ले लिया, तो कहते हैं कि इन सॉलिड को हम यूज़ करेंगे स्पेशली एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए, ठीक है ना। आपका फिजिक्स में पूरा चैप्टर है, पूरी स्टोरी लिटिल बिट इंट्रोडक्शन यहाँ पर रहेगी, ठीक है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर की प्रोडक्शन के लिए किस टाइप के सॉलिड को यूज करते हैं, जो भी सॉलिड मेरे पास बात क्या करते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, क्यों, बिकॉज एन स्टैंड फॉर नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है, नेगेटिव कंसर्न है, ठीक है ना। एन जो एन टाइप बोल रहा हूँ, एन का मतलब नेगेटिव होता है, पी टाइप का मतलब होता है हमारे पास पॉजिटिव, ठीक है। तो जो भी सॉलिड आपके मेटल एक्सेस डिफेक्ट में क्या देख रहा हूँ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जिसमें जो बताया जेड टू पॉजिटिव नेगेटिव, तो इन दिस पे जो भी सॉलिड मेरे पास मेटल एक्सेस डिफेक्ट शो कर दे जी, उनको यूज करते हैं अपने भैया एन टाइप सेमीकंडक्टर की प्रोडक्शन, क्लियर, ठीक है। तो दैट इज द स्टोरी ऑफ द मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ठीक है। तो आगे चले, हाँ जी अक्षय भाई, ठीक है, ओके। यस नेक्स्ट वन दैट इज द मेटल डेफिशिएंट, मेटल डेफिशिएंट मेटल एक्सेस में क्या कहता था हमने, बोली पॉजिटिव को इंक्रीज किया था, मेटल डेफिशिएंट में कम करेंगे, इंक्रीज करेंगे। अगेन अपोजिट चलता हूं, यस अपोजिट चलता हूं, आईडी दिया यहां पर अनाउंस किया था अनायन वैकेंसी, यहां पर आ जाएगा कटायन वैकेंसी, कटायन वैकेंसी बिल्कुल, ठीक है ना। यहां बोला एक्सेस कटायन ऑक्यूपाई द इंडस्ट्री साइड, यहां पर आ जाएगा दैट इज एक्सेस अनायन ऑक्यूपाई द इंडस्ट्री साइड, वो सेम सिनेरियो, वो उसी मैथड में चलेंगे। अब वो कहता है जी इसका कटायन वैकेंसी का क्या, हमने लेके चलता हूँ, अगेन दिस रीजन इज विजिबल, बोलिन, हाँ जी लक्ष्य भैया, तो दिस वन मैं लेके चल रहा हूँ जी, मैं कटायन वैकेंसी इन दिस वे, इन द केस ऑफ कटायन वैकेंसी, कटायन वैकेंसी में कटायन को मैं डिक्रीज करने वाला हूँ, और आई एम टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ आयरन सल्फाइड, आयरन पायराइड बोलते हैं जी, अपना नेम अगर कॉमन लेके ले, तो आयरन सल्फाइड में एफ ई टू पॉजिटिव एस टू नेगेटिव, एफ ई टू पॉजिटिव एस टू नेगेटिव, हाँ जी। तो इसमें उसने मेंशन किया कटायन वैकेंसी, कटायन को मुझे स्किप करवाना है, कटायन मिस करवाया मैंने अपना एकदम, ये एफ ई टू पॉजिटिव मैंने यहाँ से उड़ा दिया, तो नेचुरली बात है जी आपका जो, हाँ जी, मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट पॉजिटिव नंबर आपका कम हो गया, कटायन की कैंसिल कर दीजिए, आपका पॉजिटिव नंबर कम हो जाए, नेगेटिव पॉजिटिव रिलीज कर दिया, कहते जी। बट अब इसमें उसने मेंशन किया अगेन, वी नो दैट कि जो आयरन है, आयरन की टू वैलेंसी बटन से पढ़ते आ रहे, एक होता है Fe2 पॉजिटिव दैट वाज द फेरस, एक होता है Fe3 पॉजिटिव दैट इज द फेरस, ये होता है, हाँ। उसने कहा जी आपका एक Fe2 पॉजिटिव मूव कर गया, तो आप उस सॉलिड के अंदर जो भी उसके नियरेस्ट Fe2 पॉजिटिव थे वो क्या करेंगे जी, वो हायर चार्ज कैरी करेंगे, एंड वी नो दैट जो आरएन है वो Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव दोनों में एग्जिस्ट करता है। तो यहां से Fe2 पॉजिटिव गया, उसके नियरेस्ट उठा रहा हूं, मैंने कर दिया ये 2 पॉजिटिव का क्या बन गया यहां से, हां जी यस दैट इज द 3 पॉजिटिव, और इधर से इसका जहां जो जो मर्जी कर दो, जो भी उसके नियरेस्ट है, हां जी वो क्या चार्ज, वो हायर चार्ज कैरी करेगा, एक Fe2 पॉजिटिव पार डिक्रीज हुआ था, दैट्स वे 2 Fe2 पॉजिटिव जो है वो दो जो है आपके Fe3 पॉजिटिव चार्ज कैरी कर देंगे, अगेन 2 न्यूट्रलाइजेस द सॉलिड, दोबारा बोलिए ठीक है। कटायन वैकेंसी में बिनो मैंने क्या बताया कि कटायन स्किप होता है, कटायन जैसे स्किप होगा उसके जो भी नियरेस्ट कटायन बैठे होंगे वो हायर चार्ज कैरी कर लेंगे, और वो नहीं कि अपनी मर्जी से नहीं, उन हायर चार्ज की नेचर में एग्जिस्टेंस भी होनी चाहिए, वी नो दैट कि जो आरएन है Fe2 पॉजिटिव में भी एग्जिस्ट करता है, Fe3 पॉजिटिव में भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो उसने कहा जिसमें जो भी उसके नियरेस्ट कटायन है हायर चार्ज कैरी करते हैं, और इसका इंपैक्ट उसने मेंशन किया कि आपके सॉलिड न्यूट्रलाइज करता है, इसका इंपैक्ट क्या पड़ा, वहां पर डेफिनेशन की हमने एफ सेंटर, यहां पर डेफिनेशन पढ़ रहा हूं जी फूल्स गोल्ड, फूल्स गोल्ड का मतलब नहीं था कि ड्यू टू दिस इफेक्ट, ठीक है ना, आपका है ये आयरन, मैंने फॉर्मूला लिखा दैट इज एफ ई एस आयरन पायराइड, बट वो कहते हैं कि इतना ज्यादा शाइन करता है, इतना लक्षर शो करता है, जस्ट अपीयर लाइक अ गोल्ड, पर गोल्ड
होता नहीं, and that's why the term was that fool's gold. ठीक है हेलो भैया, ठीक है, तो उसने बताया कि इस डिफेक्ट की ऐसा कोई इस डिफेक्ट की कंस्पेशन ड्यू टू द कटायन वैकेंसी, यू नो आपका जो गोल्ड, मैं आयरन की बात कर रहा हूँ, फॉर्मूला दैट टू आयरन, बट वो गोल्ड की तरह लश्कर शाइनिंग शो कर रहा है, तो उसने यहाँ कहा कि एक डिफेक्ट है जी आपका कौन सा, कटायन वैकेंसी के कारण ऐसा कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है कि आपका जो मेटल है वो शाइनिंग कर रहा है, लश्कर शो कर रहा है, और वहाँ से एक टर्म असाइन कर दी, ताकि अगेन वहाँ पर अनायन वैकेंसी में भी टर्म थी, दैट वाज द स्टार्ट फ्रॉम द एफ वर्ड दैट इज एफ सेंटर, ठीक है जी, और इसमें भी एफ से ही है ये फूल्स गोल्ड, ओके, एंड देन लास्ट पे जा रहा हूँ, दैट इज द एक्सेस कटायन ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल, एक्सेस अनायन सॉरी, ठीक है ना, हाँ जी, कटायन में देखा थी हमारे एक्स्ट्रा कटायन आया था जिसमें यहाँ पर अनायन में क्या होगा, कहते जी ट्रेंड वाइज पढ़ जरूर रहे हैं अभी ना भैया, हम ट्रेंड वाइज पढ़ जरूर रहे हैं, पर ये डिफेक्ट हमें किसी भी सॉलिड में नहीं मिलता, ऐसी चीजें तो हमें चाहिए, है ना, सिंपल, कहते किसी सॉलिड में नहीं मिलता, क्यों, बिकॉज कहते हैं अभी बात करी थी कटायन हमेशा छोटा अनायन हमेशा बड़ा, और जो इंटरस्टिशियल साइड होती है वो वैसी स्पेस थोड़ा सा होता है, तो वहाँ कटायन ही मूव करके जा सकता है, अनायन का साइज लार्ज होता है वो कभी इंटरस्टिशियल साइड में बैठ ही नहीं सकता, स्पेस ही नहीं है, दैट्स व्हाई कहते हैं कि ट्रेंड वाइज पड़ा जरूर, पर किसी भी सॉलिड के अंदर ये डिफेक्ट हमें नहीं मिलता, ठीक है ना, किसी भी सॉलिड में डिफेक्ट नहीं मिलेगा हमें, मोस्टली हमेशा इस वाले में सिर्फ एक ही डिफेक्ट पड़ते हैं हम अपना कटायन वैकेंसी, सर कौन है, दिनेश कुमार, किसका, दिनेश कुमार ट्रू कलर पे है, किसी भी सॉलिड में डिफेक्ट नहीं मिलता बिकॉज अनायन का साइज जी लार्ज होता है, इंटरस्टिशियल साइड जा नहीं सकता, तो किसी भी सॉलिड में नहीं मिलेगा, तो सिर्फ मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट में हम सिर्फ एक ही डिफेक्ट पढ़ते हैं, दैट वाज द कटायन वैकेंसी, वहां पर एक लक्ष्य टर्म आए, दैट वाज द फूल्स गोल्ड, फटाफट चलता हूँ क्वेश्चन में, मूव करता हूँ जी, इम्परफेक्शन पढ़ा जी हमने अपना, डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं अपना, मैंने बताया कि क्रिस्टल आइडियल होंगे किस टेम्परेचर पर, -273°C या तो 0 Kelvin या -273°C पूरा एग्जैक्ट वर्ड, हाँ जी, इतना टेम्परेचर कभी मिलेगा नहीं, टेम्परेचर हमेशा इससे ज़्यादा ही मिलेगा, एटम आयन जो भी इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करेंगे, मूवमेंट होगी अपनी जगह से डिसलोकेट हो गए, इम्परफेक्शन क्रिएट हुए, टू टाइप में डिवाइड किया, एटॉमिक एंड इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है ना, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन भी रहा था, ठीक है ना, तो जो भी इम्परफेक्शन इलेक्ट्रॉन के अंदर क्रिएट होता है उसको इलेक्ट्रॉनिक बोल दिया, एटम के कारण उनको एटॉमिक इम्परफेक्शन, अनदर नेम पॉइंट डिफेक्ट भी था, फर्दर डिवाइड किया स्टोइकोमेट्रिक नॉन स्टोइकोमेट्रिक एंड इम्प्यूनिटी, अभी आ रहा है इम्प्यूनिटी का, तो स्टोइकोमेट्रिक की कहानी में पढ़ा टू टाइप कौन कौन से थे जी, स्कोटकी एंड फ्रेंकल, स्कोटकी डिफेक्ट में करता है कटायन एनायन स्किप होते हैं जी, क्यों स्किप होते हैं, ड्यू टू द हाई कोऑर्डिनेशन नंबर एंड सिमिलर साइज ऑफ कटायन एनायन, ठीक है जी, एग्जांपल क्या थे आयुष भैया, डेंसिटी कम हुई थी, ज्यादा हुई थी इसमें स्कॉटकी, कम हुई थी डेंसिटी, क्योंकि मिस हो जाती है जी, फ्रेंकल में आया, फ्रेंकल डिफेक्ट में कहा स्पेशली जो कटायन है जी वो स्पेस डीप करके साइड पे जाकर बढ़ जाते हैं, ठीक है ना, चंडीगढ़ में तो क्या अभी ना जहां मतलब चंडीगढ़ में है पर स्कूल में नहीं है, थिएटर में है चंडीगढ़ में, तो दिस दैट इज एग्जांपल ऑफ फ्रेंकल डिफेक्ट, ठीक है, जो लेके चले अपना एग्जांपल, एग्जांपल क्या बताया है, दैट इज एजीबीआर एजीसीएल जेडएनएस, दीज आर द एग्जांपल ऑफ द फ्रेंकल डिफेक्ट, ऐसा कौन सा सॉलिड है जो स्कोट AGBR, किस टाइप के सेमीकंडक्टर को यूज बनाने के लिए यूज करते हैं इसको अपना, जो मेटल मेटल सॉरी अच्छा होता है इसमें, सॉरी नॉन स्टिक मेटल में अगेन टू टाइप से एक्सेस एंड मेटल डेफिशिएंट, मेटल एक्सेस के टू टाइप, दैट इज फॉर द मेटल एक्सेस प्रोसीड विद द टू वे, दैट वाज द अनायन वैकेंसी एंड एक्सेस कटायन ऑक्यूपाइंग द इंटरस्टिशियल साइड, हाँ जी, अनायन वैकेंसी में एक डेफिनेशन आई, डोंट नीड टू द स्टोरी फॉर दैट, स्पेशली डेफिनेशन वाज दैट एफ सेंटर, पांच वर्ड लक्ष्य, इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड इन अनायन वैकेंसी, क्या इफेक्ट पड़ता है इसका, कहते हैं जी आपका जो एल्कली मेटल हैलाइड्स है वो कलर देना शुरू कर देता है जब भी आप उसको हीट देते हो, दैट इज द इफेक्ट ऑफ द एफ सेंटर, दूसरा था जिंक ऑक्साइड, अगेन जो लेके चला मैं अपना एक्सेस कटायन ऑक्यूपाई कर लेते हैं इंटरस्टिशियल साइड पर, इफेक्ट ये होता है जी उसमें भी कलर देना शुरू हो जाता है, सेकंड में कहा
in this way that was the metal deficient mein sirf ek hi padhna katan vacancy haan ji katan vacancy katan ki ka vacancy create hoti hai hamare paas effect ye padta hai aapko jo metal hai wo shine karna luster shuru kar deta hai and just appear like a gold and the dumb goes at full gold full gold सिंपल हाँ जी सो वी नो दैट कि सोडियम क्लोराइड जो है आपका सॉलिड स्टेट में तो करंट फ्लो नहीं करता ना वी नो दैट जब भी आयनिक सॉलिड है हम जी हमेशा मोल्टन स्टेट होनी चाहिए तभी आयंस बनेंगे तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी जब उसने मैं लेके चल रहा हूँ जी मेरे पास NaCl पे से करंट फ्लो हो रहा है एंड अगेन करंट फ्लो कर रहा है तो वो मोल्टन स्टेट में डेवलप है उसमें करंट फ्लो हुआ 10 मिनट में और मैं चाहता हूँ करंट मेरा 2 मिनट में फ्लो हो वी वॉन्ट टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ द आयनिक सॉलिड अगले में मैंने क्या बोला मैंने कहा कि वी नो दैट कि आयनिक सॉलिड में से करंट फ्लो करता है भाई ठीक है ना और मैंने NaCl का एग्जांपल लिया उसमें से मैं करंट फ्लो करवा रहा हूँ अनिश टाइम लग रहा है जी 10 मिनट लग रहे हैं और मैं चाहता हूँ जी ये कंडक्टिविटी इंक्रीज हो फटाफट जल्दी से जल्दी करंट इंक्रीज हो तो उसको यूज़ करने के लिए क्या करते हैं हाँ जी ये मेरे पास NaCl सॉलिड मैंने डायग्राम बनाया है इसमें इसमें मिक्सिंग की गई किसी हायर चार्ज मतलब इसमें मिक्सिंग स्टोनोशियम क्लोराइड कैडमियम क्लोराइड मैं एग्जांपल ले रहा हूं जी मैंने मैग्नीशियम लेयर बोला मैग्नीशियम के अंदर इसमें मिक्सिंग कर दी मैंने ठीक है अब 1 mg आया 1 mg पे चार्ज कितना था अनिश पॉजिटिव 1 mg आया उसने 2 Na को हटाया ध्यान देना बिकॉज़ mg पे चार्ज कितना था पॉजिटिव है सोडियम पे चार्ज कितना था 1 पॉजिटिव था तो अगर एक mg आ रहा है 2 पॉजिटिव चार्ज कैरी करके आ रहा है तो उसने 2 सोडियम को रिप्लेस किया ऑक्यूपाई तो पोजीशन एक ही करेगा एक जगह पे क्या बन गई वैकेंसी और ड्यू टू दिस वैकेंसी क्या होगा वेल दिया कंडक्शन जो है जी हमारी दैट विल बी इंक्रीज मैं अगेन एग्जांपल करता हूं ग्रेफाइट और डायमंड में से विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ग्रेफाइट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस सर ये उसमें 3 के साथ कनेक्टेड होता है कार्बन बिल्कुल जी डायमंड में क्या होता है 1 कार्बन सराउंडेड बाय 4 कार्बन कोई साइड फ्री नहीं है बट इन द केस ऑफ ग्रेफाइट 1 कार्बन सराउंडेड बाय 3 कार्बन एक साइड उसकी कार्बन की वैलेंसी 4 होती है एक साइड उसकी फ्री रह जाती है दैट इज द रिस्पांसिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी सेम सिनेरियो है उसने कहा कि सिंपल जी लक्ष्य हुआ क्या कहते हैं कि एक जगह पर तो mg आ गया एक जगह से वैकेंसी क्रिएट हो ड्यू टू दिस वैकेंसी जी आपकी जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है ठीक है अब व्हाई इज इट कॉल्ड द इंप्योरिटी इंप्योरिटी में एग्जांपल ले रहा हूं कि सब जगह आने बैठा हूं एग्जांपल लेता हूं गेम कि हम येलो पल्स भी येलो कलर की दाल भी होती है भाई ब्लैक कलर की पल्स भी काली दाल भी रहती है सिंपल अपना कि अगर मैं येलो पल्स इंटेक कर रहा हूं उसमें अगर ब्लैक पल्स के एक दो स्पेशली अगर लिटिल बिट ब्लैक पल्स दोनों दालें हम इंटेक करते हैं आयुष बट उसमें ब्लैक पल्स आएगी तो वो ट्रीट एज एन इंप्योरिटी मैं उसको बाहर निकाल दूंगा एंड द सेम सिनेरियो कि ये mg2 पॉजिटिव जो कर रहा है सब जगह na पॉजिटिव बैठे हुए हैं अच्छा किसी किसी जगह पर mg2 पॉजिटिव आया तो एक्ट एज एन इंप्योरिटी दैट्स व्हाट इट इज कॉल्ड द इंप्योरिटी इफेक्ट बट इसका एडवांटेज ही लिया हमने नुकसान नहीं सिंपल टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस वी आर यूजिंग दैट थिंग जिसके डॉपिंग बॉर्डर साइन भी कर देता है कि वो मिक्सिंग के लिए हम इसमें मिक्सिंग कर देते हैं ठीक है तो एक बात क्लियर करूं अनिश मैंने इसमें mg2 पॉजिटिव हो जाए k पॉजिटिव डाल दिया k से डाल दिया तो इंप्योरिटी डिफेक्ट होगा कि नहीं नहीं होगा इसमें मैंने पोटेशियम क्लोराइड डाल दिया भाई अब इसमें इंप्योरिटी डिफेक्ट है कि मुझे पोटेशियम क्लोराइड डाल दिया इसके अंदर अब भी इंप्योरिटी डिफेक्ट होगा या नहीं होगा अनिश भैया क्यों क्योंकि वो एक ये का मतलब जो भी सॉलिड है जो भी उसके ऊपर चार्ज है जब मैं उसमें मिक्सिंग करने जा रहा हूँ ठीक है ना जो इसमें इंप्योरिटी ऐड करने जा रहा हूँ उसके ऊपर चार्ज से ज्यादा हायर होना चाहिए सोडियम क्लोराइड में सिंपल पोटेशियम क्लोराइड डाल दे और सोचो कि इंप्योरिटी इफेक्ट हो जाए कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला कंडक्टिविटी एज इट इज रहेगी हाँ जी
we can put that strontiums as a 2 positive, Cd2 positive, Al3 positive, Al2 positive. जो भी उस चार्ज से जा रहा है then the impurity defect will be proceed. Otherwise, impurity defect नहीं मिलेगा. Clear that? तो impurity defect का benefit क्या होता है अपने भैया में? Fast conductivity को fast करने के लिए जी impurity defect को हम use करते हैं. So that is the story of the imperfection. अपने नाम से नंबर ऐड कर दीजिए।